पंडरपुरी चाय और यहाँ अपना इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद आज़ाद आलम। यदि आप अगर चाय लवर हैं या चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए बारसोई में खुल गया है चाय पॉइंट, और आप इस वीडियो में देखिए और आपको दिखाएंगे यहाँ पे खुल गया है बारसोई में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंडरपुरी चाय वाला। तो यहाँ पे एक पंडरपुरी चाय नाम से एक ब्रांच खोला गया है, और ये कि कटिहार ज़िला के बारसोई में है, जो कि बारसोई अनुमंडल पड़ता है। यहाँ पे पंडरपुरी चाय करके जो है एक दुकान का जो उद्घाटन किया गया, और बहुत बेहतरीन चाय है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी टेस्ट नहीं किए हैं, और जो लोग टेस्ट किए हैं, जो लोग पिए हैं, वो उनसे हम पूछते हैं, और साथ में जो है हम खुद आपसे जो है जब पी के आपको दिखाएंगे कैसा टेस्ट है, क्या है। इन सभी जो है चीज़ों को आप देखिए और एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए कि किस तरह से चाय है। चलिए तो हम जो है जानते हैं अंदर लोग, कुछ लोग जो है चाय पी रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट भी हैं और बहुत सारे नेता लोग भी आए हुए हैं, समाज सेवी भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो इन सभी से जानने के चाहिए, लोग जो है चाय को टेस्ट कर चुका है, हम अभी तक किए नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे स्वाद। तो इन लोग अभी जो है चाय का टेस्ट कर चुके हैं, तो कैसा लग रहा है इन लोगों को जो है चाय का टेस्ट स्वाद, तो इन लोग से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। और चलिए पूछते हैं क्या नाम है जी। ये पंडरपुरी चाय सही माने में हमारे एरिया में पहली बार इतना बेहतरीन चाय पिए, और इसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, हम समझते हैं कि अनपैरेलल है। ये पूरे आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी चाय पी है अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, जी ये कटिहार बारसोई ही नहीं, हम तो कहेंगे पूरे हिंदुस्तान का एक यूनिक चाय है ये। इतना ज़बरदस्त तारीफ, तो बेहतरीन चाय। मैं इसका पहला ही चुस्की जब लिया तो मुझे लगा कि ये चाय नहीं बल्कि अमृत है, बेहतरीन। वाकई में जब आप बता रहे हैं तो वाकई में चाय का टेस्ट खूबसूरत होगा। तो हम जो है और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है? रिंकू सिंह। कैसा लगा आप चाय पिए, पंडरपुरी चाय, क्या स्वाद है, कैसा है? बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा, शानदार। मैं सभी से दरख्वास्त करूँगी एक बार जरूर आइए। मैं तो आज पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अब रोज़ कम से कम एक कप चाय पीना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से मैं दरख्वास्त करूँगा एक बार जरूर आइए और इस चाय का आनंद लीजिए। बिल्कुल, चलिए, इतनी लाजवाब चाय है, और जो है हम पूछते हैं उन लोगों से, क्या नाम हो गया? मोहम्मद मिराज आलम। कैसा लगा चाय? बहुत बेहतरीन चाय है, बहुत बेहतरीन। पंडरपुरी चाय, इससे पहले नाम सुने थे? नहीं, पहली मरतबा सुना हूँ, और पहली मरतबा हमारे क्षेत्र में इस तरह का ऐसी चाय पीने के लिए जो है, एक मरतबा जो पी लेंगे वो दोबारा बार बार आएंगे। आप आएंगे? हाँ, मैं जब आऊँगा। चलिए, बिल्कुल। और लोग हैं, डॉक्टर साहब है, हम जानने का प्रयास करें, क्या डॉक्टर साहब कैसा लगा चाय? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चाय है, और एक ही चुस्की में जो है इस चाय से मोहब्बत हो गया हम लोगों को, और हम समझते हैं कि ये पंडरपुरी चाय जो है यहाँ हमारे बारसोई इलाके के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और लोगों को यहाँ अब चाय पीने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर सिर्फ चाय नहीं बल्कि लेमन टी, ब्लैक टी, पंडरपुरी कॉफ़ी, इस तरह के सारे वैरायटी है अवेलेबल है, और जो भी चाय के शौकीन हैं वो हम समझते हैं कि एक बार ज़रूर आप पंडरपुरी चाय के लिए बारसो आइए, और ज़रूर आपको आनंद आएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर भी लगा हुआ है और कई सारे वैरायटी दिया हुआ है, गुडावा चढ़ा, उसके बाद स्पेशल ब्लैक टी, उसके बाद स्पेशल कॉफ़ी, तो इस तरह की जो है यहाँ पे वैरायटी देने वाले हैं। और क्या क्या इस चाय में खास बात है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा चाय आपको? चाय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चाय। इसका नाम सुने थे पंडरपुरी चाय, आज पी के बहुत अच्छा लगा। नाम सुने थे पहले? हाँ, सुने थे, कटिहार में था, इरादा किए थे कि कटिहार जाके पिए, लेकिन अच्छी बात है कि बारसोई में और मेरे वार्ड में, इस वार्ड का भी वार्ड प्रतिनिधि भी हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे कहूँगा कि एक बार आके इस चाय का मजा ले, आनंद ले। ठीक, चलिए, यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ चाय जो है गर्म चाय ही नहीं है, ठंडा भी है, ठंडा और गर्म दोनों चीज़ में आपको मिलेगा। तो और जो है यहाँ पे देखिए पंडरपुरी चाय करके जो है इलोंग है स्टॉल में, तो इलोंग से जानने का प्रयास करें, क्या नाम हो गया भैया आप लोगों का? अब्दुल गफ्फार का नाम है। अच्छा भैया, बताइए गफ्फार भाई, क्या क्या वैरायटी है आपके पास चाय की, और कैसे, किस तरह से है, क्या है? जो वैरायटी है बताइए, जो वैरायटी है सब देख ही रहे हैं, ताकि इससे पूछिए।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिदुल इस्लाम है। ये जो है पंडरपुरी चाय का आप लोगों का टी शर्ट हो गया सारी चीज़ें? जी हम लोग मतलब बिहार में फ्रेंचाइजी हम ही लोग बांटते हैं। अच्छा। बिहार का फ्रेंचाइजी मतलब हम लोग ट्रेनिंग में आए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। बाकी चाय का विशेषता तो आप लोग बताइए क्या है, लेकिन हम लोग चाय का विशेषता पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि चाय की विशेषता उच्च गुणवत्ता बिना पानी का चाय विपरीत परिणाम, यानी कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा जो इंसान को होता है। एसिडिटी फ्री चाय मिलने वाला है जी बिल्कुल, और अनोखा टेस्ट होगा इसका, चाय बिल्कुल सही रहेगा, बिना पानी का चाय रहेगा ऊपर से। और चाय का मेरे पास वैरायटी जैसे गुलाचा चाय और बहुत सारा मतलब इसका कॉफ़ी स्पेशलिटी ग्रीन टी ब्लैक टी भी जी बिल्कुल भी है, लेकिन अभी वो सारे सिर्फ लिख के रखे हैं या फिर मिलेगा भी लोगों? मिलेगा मतलब उस वो सब जितना भी बोला गया सारा चीज़ मिलेगा भी, लेकिन इसका स्पेशल जो टी है जो अभी पिलाए सबको ये स्पेशल टी सबसे ज़्यादा चलता है। क्या कितना रेट का रेट तक इसका रेट? बस जेन्युइन रेट है जो मतलब जनरली चलता है 10 रुपये का, वही रेट है 10 रुपये में। जी जी 10 रुपये में इतनी बढ़िया चाय। चले हम तो चाय पिए नहीं, अगर टेस्ट करा सकते हैं तो चले हम देखते हैं। आपका वैसे मतलब ओपनिंग डे फ्री चाय है बिल्कुल, फर्स्ट कप की फ्री मिल जाएगा जी। ये रहा चाय पंडरपुरी चाय, और यहाँ कप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और चाय हमको भी दिया है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है चाय का स्वाद। वाकई में चाय जो है लाजवाब है, और आप लोग भी आ सकते हैं पीने के लिए, बहुत बेहतरीन चाय है, और ख़ास करके हमारे इलाके में इस तरह का चाय बहुत ज़बरदस्त चाय है। बारसोई क्षेत्र की बात करें तो हमको नहीं लगता कि अब तक बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह का चाय हमने कभी पिया है। बिल्कुल वाकई में बहुत ज़बरदस्त ही टेस्ट है, और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चाय के शौकीन हैं तो बिल्कुल आप लोग एक बार ज़रूर स्वाद लीजिए। ये बारसोई नीमतला चौक के पास एक दुकान खोला गया है पंडरपुरी चाय, और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन चाय है। चलिए तो आप लोग आइए एक बार टेस्ट करके देखिए।